क्लास 9th बायोलॉजी का ये चैप्टर पहला है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो इस अध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कोशिका की परिभाषा, यानी कोशिका किसे कहा जाता है, कोशिका का नामकरण किस वैज्ञानिक ने दिया, इसकी खोज किसने की, और ये कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें दो प्रकार की इस अध्याय में हमें पढ़ना है, एक प्लांट कोशिका और एक जंतु कोशिका। और कुछ जीव होते हैं एक कोशिकीय और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। कौन सी बड़ी कोशिका और कौन सी छोटी कोशिका, और कोशिका के विभिन्न अंगों को हमें अध्ययन करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यानी प्रत्येक जो जीव होता है उसका शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका ही जीवन की आधारभूत संरचना कहलाती है। जैसे मकान की आधारभूत संरचना क्या होती है, उसकी नींव होती है, पिलर होती है, उसी तरीके से एक मनुष्य के शरीर या कोई भी शरीर का, किसी भी जीव के शरीर की आधारभूत संरचना वो कोशिका कहलाती है। और क्रियात्मक इकाई मतलब कि जो जीवन के लिए जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। ये कैसी बनी होती है, एक जीव द्रव्य की ये बनी एक रचना होती है, इसमें रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उसमें उपस्थित होते हैं। किसमें, उस जीव द्रव्य में। अकार्बनिक यौगिक मुक्ता जैसे जल एवं लवण के रूप में, तथा कार्बनिक यौगिक मुक्ता प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियक अम्ल के रूप में रहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक उस जीव द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम में, जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है, इसका मतलब होता है एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम, यानी कुछ गिने चुने पदार्थ ही अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, कुछ वही कहलाता है चयनात्मक, तथा इसके बीच में एक केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, कोशिका जो होती है जीव द्रव्य से बनी एक रचना होती है जिसमें रासायनिक तत्व संयोग करके यौगिक उसमें उपस्थित होते हैं। कौन से यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, और इसके ठीक इसके बीच में क्या होता है, सेंटर में एक केंद्रक उपस्थित होता है। ये कोशिका का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कोशिकाओं में विविधता, यानी कोशिकाएँ जो होती हैं कई तरीके की होती है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। कौन सी विविधता होती है, आइए देखते हैं इसको। जीवों की कोशिकाओं के रूप यानी शेप, आकार यानी साइज और संख्या में काफ़ी विभिन्नता होती है, अलग अलग होती है, अलग रूप की होती है, अलग आकार की होती है, अलग साइज की होती है। यदि आप यदि चित्र 1.1 को देखें तो आपको यह विभिन्न कोशिकाएं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1.1 को। यहाँ पर देखिए चित्र, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ। तो यहाँ पर जो साइज दिखाया गया है ये सारी कोशिकाएँ हैं, जो सबसे छोटी है वो छोटे साइज, जो सबसे बड़ी है वो बड़ी साइज की कोशिकाएं हैं। ठीक है, जीवाणु की कोशिका देखिए यहाँ पे, वसा कोशिका, शुक्राणु की कोशिका, और सबसे लंबी जो कोशिका है ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग आकार की होती हैं, यानी उसका बड़ा या छोटा साइज भी होता है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर, काफ़ी छोटा का होता है, ये माइक्रोमीटर का होता है सबसे छोटी को, जैसे फ्लोरो न्यूमोनिया, और अधिकतम जो देखिए बड़ी 170x135 मिलीमीटर का होता है सबसे बड़ी कोशिका, जैसे कौन सी होती है वो, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये ध्यान देना है आपको, ये बड़ी और ये छोटी। इसके बाद जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होती हैं जीवाणु की कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से भी सबसे अधिक लंबा हो सकता है। अभी हमने देखा तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपको हमेशा याद रखना है। चित्र 1.1 में हमने अभी देखा है। इसके बाद देखिए आगे, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिकाएँ विभिन्न रूपों की होती हैं। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, यानी यूनिसेलुलर जीव कहलाते हैं। कौन से वो जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, अमीबा, पारामेसियम, क्लाइडोमोनस आदि।
इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका यानी एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। कौन से कार्य जीवन संबंधी? श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सारे एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होते हैं इन जीवों में। इसके बाद देखिए, जबकि बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जीव जो होते हैं उनमें अनेक कोशिकाओं या अनेक कोशिकाएं उसमें पाई जाती हैं, तो उनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे 60 किलोग्राम के एक मानव, तो 60 किलोग्राम का एक मानव के शरीर में 60×10^15 कोशिकाएं पाई जाती, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं जो होती हैं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इनमें से श्रम का विभाजन होता है, अंगों का निर्माण करती है, और सभी कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है यानी श्रम विभाजन होता है, डिविजन ऑफ लेबर। विभिन्न प्रकार के पौधे कौन से? शैवाल, कवक, मार्स, फन आदि, ये भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। तथा जंतु अनेक उदाहरण होते हैं, ये क्या होते हैं? इनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। तो जिनके कोशिकाएं बहुत होती हैं तो कैसे हो गया? ये कोशिका विभाजन द्वारा होता है, यानी प्रत्येक दिन मानव के शरीर में एग्जांपल ले लिया जाए तो प्रत्येक दिन नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, कुछ पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, कोशिका विभाजन होते रहता है। इसी तरीके से कोशिका की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए आगे, कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होता है। कोशिका का आकार कैसा होगा, कैसी उसकी आकृति होगी, शेप होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, उस जीव के कार्य पर डिपेंड करता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा की कोशिका एक कोशिकीय जीव है, ये आकार क्या होती है? बदलती रहती है। इसमें हमारे रुधिर यानी रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वे भी निरंतर अपना रूप बदलते रहती है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है, ठीक है, और इनके द्वारा आवेगों का क्या होता है? चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, और ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। भिन्न भिन्न जीव में यानी अलग अलग जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आकार पर डिपेंड करती है कि कौन जीव बड़ा है तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी, छोटा है तो उसकी संख्या छोटा होगी कोशिकाओं की। उदाहरण के लिए देखिए, चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो होती है हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होती है। किसमें? चूहे में। पौधे में तो हम देखेंगे वट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे की कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होगी, और बड़ा कौन सा है? वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है तो उसमें ज़्यादा होगी, गुलाब का पौधा छोटा होता है उसमें कम होगी। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आगे, जीवन व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, यानी जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से होता है, तो उन कोशिकाओं में कुछ मूलभूत यानी बेसिक कार्य करने की क्षमता भी होती है। आगे हम देखेंगे कौन से कार्य। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएँ आपस में समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती है। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक अर्थात टिशू कहा जाता है। एक सी रचना होती है यानी दिखने में एक जैसे होती हैं, और एक जैसा वो कार्य संपादन करती हैं, तो एक साथ मिलकर ठीक है ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक के समूह जो किसी विशेष कार्य में संपन्न करते हैं, ऊतक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट रचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। यानी ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं? ऊतक मिलकर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो मानव शरीर का ही आप ले लीजिए उदाहरण, तो मानव शरीर में सबसे क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और एक जैसे ऊतकें मिलकर क्या बनाती हैं?
वो अंग का निर्माण करती हैं, और अंग मिलके बनाते हैं अंगतंत्र, और इस तरीके से पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण स्वरूप हम भोजन के लिए पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भोजन का अंतग्रहण होता है, यानी भोजन हम लेते हैं, तो फिर उसका पाचन जो होता है, फिर अवशोषण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, और अनपच भोजन को कामल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा, अर्थात मुख, अमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। मुख, अमाशय, आंत, यकृत आदि समूह रूप से एक विशेष पाचन तंत्र की रचना करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये जो अंग दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे बने हैं, ये बने हैं ऊतकों के समूह से, ठीक है। जैसे मुख हो गया, ठीक है, इनकी कोशिकाएं होती हैं, तो इनकी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, तो ये अंग का निर्माण करते हैं। फिर अमाशय बनाता है, तो सारे अंग मिलकर क्या बनाता है, एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है, पूरा पाचन तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि रहते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीवष्टि का निर्माण करते हैं। इसके बाद है कोशिका की खोज, यानी कोशिका की खोज में कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल हुए। देखिए, कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान जो है वो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, यानी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। तो इस रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कार्क, यानी पुराने जो पेड़ की छाले होती हैं उसे कार्क कहा जाता है, एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कुठोरियाँ देखी। इन कुठोरियों को रॉबर्ट हुक ने क्या दिया नाम, सेल नाम दिया, यानी कोशिका नाम दिया। तो कोशिका का नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मरी हुई कोशिका को देखा था, मधुमक्खी की छत्ते जैसी कुठरियाँ देखी, जो मरी हुई सेल थी। इसके बाद देखिए, ल्यूमेन होएक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा, ठीक है, इन्होंने बढ़ाया। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि देखा, किसने, ल्यूमेन होएक ने, कब, 1674 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, और इसे ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। केंद्रक की खोज किसने की, ये सवाल पूछे जाते हैं, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का नाम दिया है, किसने खोज किया, पुरकिंजे ने 1839 में। इसके बाद 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक निक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, किसने कहा, स्लाइडेन ने। और यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका, ये कार्क कोशिका यानी मरी हुई है, ये पिक्चर दिया गया है। 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत प्रतिपादन किया, क्या दिया दोनों ने मिलकर, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, इन दोनों ने मत दिया। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं, यानी पूरे शरीर का निर्माण उस कोशिका के द्वारा ही हुआ है, किसी भी जीव का, इन्होंने मिलकर बताया, कौन, स्वाइडेन और स्वान ने। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, यानी कोशिका विखंडन द्वारा होता है, ये बात सही है, कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं, मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, ये जिसमें एक केंद्रक होता है, इस कथन को प्रोटोप्लाज्मत्वा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1884 में स्टार वर्गन ने बताया कि केंद्रक पृथक लक्षणों की पंचगति में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए, इसके बाद 1884 में स्ट्रास वर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षण यानी माता पिता के लक्षणों को वंशागत एक पीढ़ी से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करते हैं केंद्रक।
इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एमनाल एवं ई रस्का द्वारा हुआ, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचनाओं का धीरे धीरे आगे बढ़ा ज्ञान। तो ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने क्या किया, एनालिसिस किया कोशिका के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, आगे कार्यकलाप है। तो यहाँ पे आपको अपने से पढ़ लेना है, इसमें क्या है कि प्याज की कोशिकाओं का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मदद से यहाँ पे दिखाया गया है। ये रहा, ये जो काला भाग दिखाई दे रहा धब्बा, ये क्या है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएँ हैं। और कौन कौन से आपको उपकरण चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, अरे अपने से पढ़ना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या कार्यकलाप है, दूसरे में मनुष्य के रक्त की कोशिकाओं का ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद देखिए कोशिका की संरचना। तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। सही बात है, कोशिका का निर्माण कई अंगों से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका का एक जीवित संरचना होती है। और कौन कौन से अंग हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, केंद्रक, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो जीवन संबंधी सभी कार्यों में सक्षम होती है, ये सारे अंग मिलकर जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, एक ही प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता के दृष्टि से हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, पहले में क्या है कोशिका झिल्ली। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य के बीच में ही क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक पतली, बहुत पतली, मुलायम एवं लचीली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ, तो ये जो बाहरी आवरण है इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। और ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु और प्लांट दोनों में। इसके बाद देखिए आगे, यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल होती है। अर्ध पारगम्य का अर्थ है कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकते हैं, गिगने चुने, ठीक है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब नहीं, अतः इसे क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और इसमें किसी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता, यानी किसी प्रकार का या इसमें थुलथुला मोटापन नहीं पाया जाता, ठीक है, यानी ये स्ट्रिक होती है, किसी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, इनमें से इनके बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है, इनमें दो परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत होती है जो लिपिड का रहता है। तो इसके बाद देखिए इसके निम्नलिखित कार्य हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं वो बताएँ। देखिए यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, दूसरा यह कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ये किसी, ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये बाहरी आवरण है, यह कोशिका को यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है, मैकेनिकल सहायता प्रदान करती है। इसके बाद यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर आने को नियंत्रण करती है। पांचवा देखिए, जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण में ये सहायक है, तो ये सारे तत्व के निर्माण में ये सहायक होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कौन सा हमें पढ़ना है, आइए इसके बाद समझते हैं हम लोग कोशिका भित्ति क्या होती है। पादप कोशिकाएं यानी प्लांट सेल के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है, कौन, प्लांट सेल। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं और ये प्लांट सेल में पाई जाती है। यह मुक्तो सेल्युलोज जो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, की बनी होती है, ये पारगम्य होती है।
यानी आसानी से पदार्थ आ जा सकते हैं। सेलुलोज एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी ये प्लांट के कोशिका का बाहरी आवरण पदार्थ कहलाता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, इसमें जान नहीं होता और ये कड़ी होती है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं, थुलथुला होती है तथा ये अर्ध पारगम्य नहीं होती, यानी पूरे पारगम्य होती है। इसके निम्नलिखित कार्य किसके कोशिका भित्ति के, देखिए कार्य क्या है। तो कोशिका भित्ति के कार्य भी पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते हैं, एक सेप प्रदान करते हैं। ये कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक की सहायता प्रदान करते हैं। ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करते हैं या कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं